नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच केंद्र सरकार के बुलावे पर आज पंजाब के किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करने वाला है। ये मुलाकात करीब 11:30 बजे होगी। इस दौरान केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को अपना पक्ष बताएगी और उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश करेगी। इसके बाद किसान संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे। 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करें। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के डेलीगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग करेंगे। इधर पंजाब में किसानों का प्रदर्शन अब एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। दरअसल पंजाब के तमाम थर्मल प्लांट कोयले की सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड पर आश्रित हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पंजाब के थर्मल प्लांट के पास आवश्यक कोयले की भारी कमी हो चुकी है। कोयले की कमी होने के चलते अब पंजाब में बिजली की भी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को रोके हुए हैं, इसी के साथ में वहां पर जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है, ट्रेनें ठप हैं, जिसके चलते कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके बाद अब एक बड़ी समस्या पंजाब में पैदा हो सकती है। और इसी के साथ में आज किसानों की एक अहम बैठक है केंद्र सरकार के साथ में। किसानों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के साथ में बातचीत करेगा, जिसमें जो भी समस्या है किसानों की उनको केंद्र सुनेगा और बातचीत से इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा। लंबे विरोध के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो किसानों के संगठनों से बातचीत करेगा, और इसके बाद में 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ में भी किसानों की बैठक है। पिछले कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, और उनका कहना है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। उसके बावजूद भी किसान समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को अभी भी इन कृषि कानूनों से परेशानी है। किसानों का मानना है कि ये कृषि कानून पूरी तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। विनीत कपूर पंजाब से संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और आज एक अहम मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार से किसानों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस मीटिंग का कोई असर होगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर इस मीटिंग की बात करें तो जरूर जिस तरह से लगातार किसान जथेबंदियां ये कहती हुई नजर आ रही थी कि केंद्र जो है वो इन कानूनों में संशोधन नहीं करता या फिर उनको रद्द नहीं करता, तो फिर इनके प्रदर्शन जो है वो खत्म होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र की तरफ से पहले भी एक बार किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और अब फिर से इनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। आज ये बातचीत होती नजर आएगी, जिसमें तमाम मसलों के ऊपर चर्चा होगी। किसानों की तरफ से 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो इस बैठक का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी, और ये 7 मेंबरी ही कहीं ना कहीं केंद्र के साथ बातचीत करेगी और हल निकालने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। क्या संभव है? जी, ऐसा संभव है कि जो, क्योंकि किसानों का कुछ और मानना है और केंद्र सरकार कुछ और मानी, केंद्र सरकार के मानना है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को इस बात पर भरोसा नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार किसानों को अपने हित में जो है अपने पक्ष में कर पाएगी? देखिए, 11 बजे जिस तरह की बैठक बुलाई गई है, 11 बजे ये कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के अंदर बैठक होनी है, तो उसके अंदर सीधे तौर पर किसानों को ये समझाने का प्रयास किया जाए कि जो कृषि कानून है इन कानूनों में किसानों के लिए क्या कुछ लाभदायक है, इन किसानों से किस तरह से किसानी जो है वो कहीं ना कहीं लाहेबंद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की बात करें, लगातार MSP को लीगल करने की बात करें, ये कह रहे हैं कि MSP जो है उसको कानून के दायरे में लिखाया जाए, यानी कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी MSP से कम दामों पर फसलों की खरीद करती है तो फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और भी कई किसानों की मांगे हैं। तो ऐसे में दोनों पक्षों की आज बात होगी, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देंगे, उसके बाद देखने वाली बात होगी तर्क और विधेयक के बीच में क्या सहमति बनती है, क्या फिर ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल विनीत, 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ में भी किसानों की मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 15 तारीख को अगर आज की बैठक में कोई हल नहीं निकलता तो 15 तारीख को किसानों की अपनी एक इंटरनल बैठक है, जिसमें पंजाब
कि 30 किसान जथेबंदियां जो है वो हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी, जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। और पंजाब सरकार के साथ बैठक की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर किसान कह चुके हैं कि पंजाब सरकार के साथ ऐसी बैठक नहीं करेंगे जब तक पंजाब सरकार अपने किए वादे पूरे नहीं करती। यानी सीधे तौर पर अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करने की बात नहीं करती, साथ साथ अगर इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती तब तक पंजाब सरकार के साथ बैठक नहीं होगी। तो 15 तारीख की बैठक अहम रहेगी, लेकिन आज की बैठक का नजर रहने वाली है कि ये बैठक क्या कहीं ना कहीं कोई नतीजा लेकर आती है या बेनतीजे रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।